वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो बलून होते हैं गैस वाले बलून वो बनाने वाले हैं और इसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कास्टिक सोडा है, ये 1 किलो है, ये मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाता है। और आप देख सकते हैं ये एल्यूमिनियम फॉइल है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। और थोड़ा सा पानी लगता है, वाटर और कांच की बॉटल। कांच की बॉटल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि प्लास्टिक की जो बॉटल रहती है तो ये गर्म पड़ता है तो वो पिघल जाती है, लेकिन इसमें कांच की बॉटल में ये दिक्कत नहीं आती है। और ये जो सिल्वर फॉयल होती है या आप एल्यूमिनियम फॉयल बोलते हैं, इसको आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे तोड़ लें और आप एल्यूमिनियम की और भी चीज़ जो है वो यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कांच की बॉटल है इसमें जो अपनी एल्यूमिनियम फॉयल है या एल्यूमिनियम है इसको हम डाल लेंगे। दोस्तों हमने जो है कुछ मेडिसिन आती है, मेडिसिन के पीछे भी एल्यूमिनियम की जो फॉइल जैसी है वो लगी हुई रहती है। और एक हमने ये एल्यूमिनियम का जो तार आता है वो डाला है। ये हमारी एल्यूमिनियम इसमें हमने डाल लिया है। अब इसमें हम वाटर डालेंगे, पानी। पानी हमको ध्यान रखना है कि हमको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हमको थोड़ा सा ही वाटर डालना है। आप देख सकते हैं इसमें तो आप देख सकते हैं इतना वाटर डाल लिया है और मेरे हिसाब से ये वाटर सफिशियंट है। ठीक है, अब हमको इसमें मेन काम करना है, इसमें हमको डालना है कास्टिक सोडा। तो ये कास्टिक सोडा है, ये हम डालेंगे बॉटल में। तो कास्टिक सोडा जो है वो थोड़ा ख़तरनाक होता है, तो इसको हाथ में ना लें, इसको किसी भी तरीके से आप डाल सकते हैं, मतलब कागज़ में लेकर या किसी दूसरी चीज़ से। आप देख सकते हैं इसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। तो अब हम इसमें जल्दी से जो बलून है बलून फिट कर देते हैं। इसमें बलून लगाने के पहले आप ध्यान रखें कि बलून को चेक कर लें जिससे इसकी गैस ना उड़े। इसको आप ऐसा थोड़ा हिला भी दें जिससे ये जो प्रोसेस है वो थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाए। आप देख सकते हैं वो प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और इसमें बबल्स आने लगे हैं और हमारा जो बलून है वो फूल रहा है काफ़ी स्पीड से। दोस्तों आप देख सकते हो जो हमारे बलून है वो रेडी हैं और ये कितनी स्पीड में उड़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने धागे से बांध कर रखा है इनको। मिशन सक्सेसफुल।